विश यू अ वेरी फैंटास्टिक मॉर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, मैंने आपको पिछली कक्षा में आ की मात्रा का परिचय करवाया था और आपने उसी आ की मात्रा से संबंधित बहुत सारे अभ्यास कार्य पूरे किए। मुझे आशा है आपको आ की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको नई मात्रा का परिचय कराऊंगी और वह है छोटी की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे छोटी की मात्रा कैसी होती है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है और ये कहाँ लगती है। तो हम देखते हैं, यह है छोटी की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटी की मात्रा। और इसका उच्चारण होता है इ। क्या उच्चारण होता है इसका? इ। तो हम देखते हैं कि यह कैसे व्यंजन के साथ लग के इसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो देखिए, यह है हमारा व्यंजन क। कौन सा व्यंजन है ये? व्यंजन क। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है। तो ये हमारा हुआ व्यंजन क। अब हमें छोटी की मात्रा लगानी है, तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, लाइक दिस। ओके, अब हमें ये छोटी की मात्रा ऊपर से घुमानी है। कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, क पे छोटी की मात्रा की। क पे छोटी की मात्रा की। चलिए, ये हुआ की। अब हम दूसरा व्यंजन लेते हैं, ये है व्यंजन ख। यह व्यंजन ख। ये हुआ हमारा व्यंजन ख। अब हमें इस पे लगानी है छोटी की मात्रा। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, लाइक दिस। ओके, फिर हमें इस मात्रा को ऊपर से घुमाना है। ओके, तो ख पे छोटी की मात्रा खी। ख पे छोटी की मात्रा खी। अब हम इसे ग के साथ लगा के देखते हैं। ग के साथ लगाएंगे तो गी। ग के साथ लगाया तो गी। अब हम इसको घ के साथ लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको? घी। क्या पढ़ेंगे इसको? घी। अगर हम इसे न के साथ लगाते हैं तो हम पढ़ेंगे नी। क्या पढ़ेंगे हम इसे? नी। तो बच्चों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छोटी की मात्रा को व्यंजन से पहले लगानी है। ओके, सो टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 1 एंड ओपन पेज नंबर 18। तो सबसे पहले हम व्यंजन क से श्र तक को पढ़ने का एक बार अभ्यास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को शार्प करेंगे और दिनांक और कक्षा कार्य लिखना नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आप व्यंजन लिखना शुरू करेंगे और इसके साथ हम छोटी की मात्रा को कैसे लगाएंगे वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्यंजन क। क्या लिखेंगे? व्यंजन क। अब आपको इसके साथ छोटी की मात्रा लगानी है। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाते हैं, तो ये हमारा व्यंजन है। अब इसके पहले लगाएंगे तो आप एक सीधी रेखा खींचेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, लाइक दिस। ओके,
आप जब इस मात्रा को लगाएंगे तो आप रेड पेंसिल का यूज करेंगे। आपको ये मात्रा रेड पेंसिल से लगानी है। अब इस मात्रा को हम ऊपर से घुमाते हुए इसको व्यंजन से मिला देंगे। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? कि। क्या पढ़ेंगे? कि। अब हमारा दूसरा व्यंजन है ख। अब हम इसके साथ आ की मात्रा लगाते हैं। ये व्यंजन से पहले लगती है तो एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब हमें इसको ऊपर से घुमाते हुए लाना है। अब हम इसको घुमा के व्यंजन से मिला देंगे। तो ख पे ई की मात्रा खि। ख पे ई की मात्रा खि। अब हमारा व्यंजन है ग। अब हम इसके साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। एक सीधी रेखा खींची आपने। अब हम इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन ग से मिला देंगे तो ये बन गया गी। अब हमारा अगला व्यंजन है घ। अब इस पे हम छोटी मात्रा का प्रयोग करेंगे। एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से मात्रा को मोड़ते हुए व्यंजन घ से मिला देंगे तो ये बन गया हमारा घी। क्या बन गया ये? घी। ये है ड। तो इसके साथ में आपको छोटी की मात्रा नहीं लगानी है। अब हमारा अगला व्यंजन है च। अब हम च के साथ में छोटी की मात्रा लगाएंगे। एक सीधी रेखा खींचेंगे व्यंजन से पहले और इस मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए हम व्यंजन से मिला देंगे तो च पे छोटी की मात्रा लग गई तो क्या पढ़ेंगे? ची। अब हम इसे छ के साथ लगाएंगे। एक सीधी रेखा खींची और इस मात्रा को ऊपर से घुमाते हुए इसको व्यंजन छ से मिला दिया तो ये क्या बन गया? छी। अब हम इसे ज के साथ लगाएंगे। बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को घुमाते हुए इसको हम व्यंजन ज से मिला देंगे तो ये बन गया जी। हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन झ। अब हम इस पर छोटी की मात्रा लगाते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से मात्रा को घुमाते हुए इसको व्यंजन से मिला देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? झी। क्या पढ़ेंगे? झी। ण। इस पर आपको छोटी की मात्रा नहीं लगानी है। अब हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन ट। अब हम इस पर छोटी की मात्रा लगा कर देखते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींची और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन ट से मिला देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? टी। क्या पढ़ेंगे? टी। अब हमारा अगला व्यंजन है ठ। अब हम इस पर छोटी की मात्रा लगा कर देखते हैं इसका उच्चारण कैसे होता है। तो ठ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ ऊपर से घुमाते हुए इसको व्यंजन ठ से मिला देंगे और एक आड़ी रेखा खींचेंगे ऊपर तो ये ठ पे छोटी की मात्रा ठी। अब हम लगा के देखते हैं व्यंजन ड पर। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को घुमाते हुए इसको व्यंजन ड से मिला देंगे तो ड पे छोटी की मात्रा डी। ढ। ढ पर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस मात्रा को ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन ढ से मिला देंगे तो अब हम इसे पढ़ेंगे ढी। ये व्यंजन ण। अब इस पे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन ण से मिला देंगे तो अब हम इसको पढ़ेंगे ऋणी। अब हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन त। अब हम छोटी की मात्रा को इसके साथ लगा के देखते हैं इसका उच्चारण क्या निकलता है। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन त से मिला देंगे तो ये बन गया ती। अब थ के साथ लगा के देखेंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींची इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन थ से मिला देंगे तो ये बन गया थी। अब हम व्यंजन दस के साथ लगाते हैं छोटी की मात्रा। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए हम व्यंजन द से मिला देंगे तो द पे ई की मात्रा दी। अब ध से ध। अब ध पे छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से पेंसिल को घुमाते हुए इस मात्रा को व्यंजन ध से मिला देंगे तो ये बन गया धी। अब हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन न। अब इसके साथ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। अब इसको यहाँ से घुमाते हुए हम इसको व्यंजन
न से मिला देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे नी। अब हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन प। अब प के साथ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसको व्यंजन प से मिला देंगे, तो ये बन गया पी। अब हमारा अगला व्यंजन है फ। अब हम इसके साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन फ से मिला देंगे, तो ये बन गया हमारा फी। अब ब के साथ लगाएंगे। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे और पर से इसको घुमाते हुए इसको व्यंजन ब से मिला देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे बी। अब भ के साथ लगाएंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन भ से मिला देंगे, तो ये बन गया भी। अब हमारा अगला व्यंजन है म। अब म के साथ लगा के देखते हैं इसका उच्चारण क्या निकलता है। एक सीधी रेखा खींची और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन म से मिला देंगे, तो ये बन गया मी। अब हमारा अगला व्यंजन है य। अब य के साथ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सीधी रेखा खींची और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन य से मिला देंगे, तो ये बन गया ये। अब र के साथ लगा के देखते हैं इसका उच्चारण क्या निकलता है। सीधी रेखा खींची और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन र से मिला दिया, तो ये बन गया री। अब ल के साथ लगा के देखते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींची और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन ल से मिला दिया, तो ये बन गया ली। अब व के साथ लगा के देखेंगे छोटी की मात्रा। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे, ऊपर से इसको घुमाते हुए व्यंजन क से व्यंजन व से मिला देंगे, तो ये बन गया वी। अब हमारा अगला व्यंजन है व्यंजन श। अब हम इसके साथ मात्रा लगा के देखते हैं इसका उच्चारण क्या निकलता है। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन श से मिला देंगे, तो ये बन गया शी, व्यंजन श। अब हम इसके साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन श से मिला देंगे, तो ये बन गया शी। अगला व्यंजन है हमारा स। अब हम स के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसको व्यंजन स से मिला देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे सी। अगला व्यंजन है ह। अब ह के साथ हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींची और इसको यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन ह से मिला दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे ही। अब हमारा अगला व्यंजन है छ। अब हम मात्रा इसके साथ लगा के देखते हैं इसका उच्चारण क्या निकलता है। सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे और इस मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन छ से मिला देंगे, तो इसको हम बोलेंगे छी। अगला व्यंजन है त्र। त्र के साथ हम छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले सीधी रेखा खींची और मात्रा को ऊपर से घुमाते हुए इसको व्यंजन त्र से मिला देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे त्रि। ज्ञ। अब ज्ञ के साथ छोटी की मात्रा लगाएंगे। सबसे पहले हम सीधी रेखा खींचेंगे और मात्रा को यहाँ से घुमाते हुए व्यंजन ज्ञ से मिला देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे गि। अब हमारा अगला व्यंजन है श्र। अब हम इसके साथ लगा के देखें इसका उच्चारण क्या निकलता है। एक सीधी रेखा खींचेंगे और इसको ऊपर से घुमाते हुए व्यंजन श्र से मिला देंगे, तो ये बन गया श्री। तो चलिए अब हम इसको एक बार फिर से दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। बोलिए कि, खि, गि, घि, ड, चि, छि, जि, झि, ण, टि, ठि, डि, ढि, णि, ति, थि, दि, धि, नि, पि, फि, बि, भि, मि, यि, रि, लि, वि, षि, षि, सि, हि, षि, त्रि, गि, श्री। तो बच्चों आपने देखा कैसे छोटी ई की मात्रा को हम व्यंजन से पहले लगाते हैं और इसका उच्चारण
कैसे किया जाता है। बच्चों, आपको अपनी इस हिंदी वर्कबुक 1 के पेज नंबर 18 और 19 पर व्यंजन क से श्र तक लिखना है। उसके बाद में आपको इन व्यंजनों पर छोटी ई की मात्रा का अभ्यास करना है। आप जब ये छोटी की मात्रा लगाएंगे तो आपको रेड पेंसिल यूज़ करनी है। कौन सी पेंसिल से लगाएंगे? रेड पेंसिल से लगाएंगे, लाइक दिस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।